जी की फतेह। पहला असं सारे पत्रकारों का चैनल वाले वीर का इतने पहुँचने के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बेनती है फरवरी महीने के एक सेंटर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जी सैंपल कराई सी जिन्होंने 39 सैंपल लाए थे 29 सैंपल लाए थे सारे साले फेल हो गए। जो पानी है ये ना बंदों के पीने योग है ना जानवरों के पीने योग है ना पशुओं के पीने योग है। तो इस करके ए सरकार ये भी कह लबोरटरी वाले ने इन्हों पिंडा पीन वाला जरा पानी है आर ओ ला के मुहैया कराया जाए। सो ये जी सराब वाली फैक्ट्री ने साडे इलाके का पानी खराब किया मिट्टी पलूट की हवा पलूट की है। सो असी कहने इन्हों से कार्रवाई होनी चाहिए है। सत श्री अकाल जी सारयां दा प्रेस वाले मीडिया का धन्यवाद जो कि सानू कवर करन आए आ। सांझा मोर्चा ते इस वक्त असी सारी ही टीम साडी सेवादार बैठे ने जो कि जिवें सरपंच साहब ने कहा कि सेंटर पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आई आ और रिपोर्ट एक बड़े ही हैरानीजनक आ क्योंकि जिहड़ियां हुण तक रिपोर्टां हो गईयां वह 6 रिपोर्टां होईयां टोटल जिन्हां दे विचों हुण जिहड़ी लास्ट रिपोर्ट आ सेंटर पोल्यूशन बोर्ड की आ। इस तो पहला जिहड़ी रिपोर्ट हुई आ 2010 दे विच एक विधानसभा की कमेटी बनी सी उदों दी रिपोर्ट आ जी। मैं थोड़ा कर दसना चाहूँगा फिर एक साढ़े नेड़े कसुआना हैल्थ डिपार्टमेंट उहदी रिपोर्ट आ जी। उस तो बाद जिहड़ी एक मोनीटरिंग टीम बनती है संत बाबा बलवीर सिंह जी सीचेवाल पंजाब पोल्यूशन बोर्ड की उहदी रिपोर्ट आ जी। एक साढ़े कोल एक हैगी जमहूरीयत अधिकार लहर जो कि एक प्राइवेट अदारा उहदी रिपोर्ट आ जी। फिर जिहड़ी पंजवीं रिपोर्ट आई आ एक इस तो पहला रिपोर्ट आई सी सेंटर पोल्यू सॉरी माफ करना पंजाब पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट वह आ रिपोर्ट आ। यह भी रिपोर्ट साढ़े को पूरी नहीं हैगी सानू हले तक सरकार ने पंजाब सरकार ने जरूरी नहीं सोचा जिहड़ा कि सानू रिपोर्ट मुहैया करवाई जाए। यह पंजाब पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आ ते जिहड़ी अज वाली रिपोर्ट आ रिपोर्ट आगी सेंटर पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट जिहदे विच पानी दे सैंपल किए गए सी साडे पिंडां दे विचों जो कि साडे एरिए दे विचों शराब फैक्ट्री दे विचों पानी दे सैंपल होए सी मिट्टी दे सैंपल होए सी जो कि रिपोर्ट दे विच लिखिया होया है भी इह सैंपल फेल ने जिहदे विच जिवें सरपंच साहब ने दस्सिया भी 29 सैंपल होए सी टोटल उह टोटल ही पानी पीण योग नहीं है। पानी दे विच लैड मरकरी जां हैवी मैटल आए ने जो कि जिहड़े कैंसर हुंदा इहो जिहे कैमिकल पाए गए ने सैनानाइड वर्गे कैमिकल पाए गए ने। असी सरकार नूं बेनती करदे हां कि इस नूं फैक्टरी नूं तुरंत प्रभाव ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ा बयान दिता सीगा वी मैं कानूनी सलाहकारां दी राय लै के इस शराब फैक्टरी नूं बंद करदा हां पर हले तक शराब फैक्टरी बंद नहीं हुई। हुण जिहड़े कि मानयोग पिछले हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर कढे ने भी 2 हफ्तें दे विच फैसला लिया जावे। अज सेंटर पोल्यूशन बोर्ड की भी रिपोर्ट आ गई है ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं पंजाब सरकार नूं 2 हफ्तें दे विच इस शराब फैक्टरी नूं बंद किया जावे। एक गल है जी बाऊ राम पंजाब पोल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन सीगा। बाऊ राम ने इस फैक्ट्रियां जिहड़ियां कैमिकल वालियां फैक्ट्रियां लवाईयां वधाईयां जो इंडस्ट्रियां बनाईयां आ जिहड़ी हुण सेंटर पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आई आ यह रिपोर्ट देखो बड़ी हैरानीजनक आ ते सेंटर पोल्यूशन बोर्ड आ इन्हें इतने सैंपल किए थे पंजाब पोल्यूशन बोर्ड ने भी सैंपल किए थे। पंजाब पोल्यूशन बोर्ड जिहड़ी संत बाबा बलवीर सिंह जी सीचेवाल दे तहत कमेटी बनी सी उह जिहड़ी रिपोर्ट ने यह फैक्ट्री वाले नूं क्लीन चिट दित्ती सी ते सानूं पता लगा भी उह इन्हां ने हुण कमेटी भी अर्द खुरद करती आ उस कमेटी नूं एनजीटी दी कमेटी कह कह के मोनीटरिंग टीम एनजीटी दी कह कह के ते अज तक मलहोत्रे उत्ते कोर्ट दे विच भुगत रहे ने। जिहड़े अपने पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी सी उन्हां अधिकारियों के उत्ते बनदी कानूनी कार्रवाई होवे उन्हां अधिकारियों नूं बाऊ राम जिहड़ा चेयरमैन सी उहदे उत्ते बनदी कानूनी कार्रवाई होवे जो कि इहो जिहियां फैक्ट्रियां जीरा शराब वर्गी फैक्ट्रियां जिहड़ियां इहो जिहियां फैक्ट्रियां लगियां ते फैक्ट्रियां ने साडे पिंडां दे विच कान कीता। हुण सेंटर पोल्यूशन बोर्ड ने एक रेकमेंड किया होया है पंजाब पोल्यूशन बोर्ड नूं पंजाब सरकार नूं भी इन्हां दे उत्ते बनदी कार्रवाई की जाए तो इन्हां दे उत्ते जुर्माना लाया जाए। तो असी मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करते हाँ आ साडे कोले हुण 6 रिपोर्टां ने 6 रिपोर्टां 6 रिपोर्टां दे विचों
पांच रिपोर्टां दे पानी दे सैंपल फेल ने। ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं पंजाब सरकार नूं बेनती करदे हां कि आ दीप मल्होत्रे वर्गियां दे उत्ते बनदी कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करके इन्हां नूं परचा करके इन्हां नूं अंदर करो, ते जिहड़े इन्होंने साडे पिंडां दे विच घाण कीता उहदा बनदा मुआवजा इन्हां तों लिया जावे। बाकी बेनतियां मेरा साथी फतेह ढिल्लो करूगा। हाँ जी माइक हैगा। सैंपल लए हुए ना जिहड़े कि फैक्टरी दे विचों पानी दे सैंपल लए हुए आ, उहदे विच लिखिया होया वी पानी काला बदबूदार जिहदे विचों मुश्क मारदा, इदां दा पानी इस फैक्टरी दे विचों वी सैंपलां दे विचों निकलिया, ते जिहड़ा साडे पिंडां दे विचों वी लिया उह वी इदां दा पानी आ। हुण जिहड़ा कि सरकार आ, सरकार दी हुण ड्यूटी बणदी आ, मानयोग सीएम साहब दी जिवें पहलां असीं कहा वी सांझा मोर्चा जीरा चलदे नूं करीब 10 महीने हो गया, एक साल दे नेड़ तेड़। ये सांझा मोर्चा जीरा क्यों लग्या सी, ये अपनी हवा पानी मिट्टी नूं बचाउण वास्ते लग्या सी। हुण रिपोर्टां जिहड़ियां फैक्टरी दे खिलाफ आ चुकियां है, सरकार नूं बेनती करदे हां, सरकार नूं बेनती करदे हां कि मोहरी अगवाई करके मुख्यमंत्री साहब इस शराब फैक्टरी नूं बंद करो। तुहाडा की ना कि एक बयान, बयान दा नहीं, तुसीं लिखती रूप दे विच इस शराब फैक्टरी नूं बंद करो, ते जिहड़े साडे लोकां दे उत्ते 50-60 लोकां दे उत्ते परचे होए ने उह परचे कैंसल करो। मैं दूजी बेनती, मैं भाई रविंद, अंडरग्राउंड वाटर टोटली पल्यूट करके रखता, एयर पल्यूट करके रखती, धरती पल्यूट करके रखती, जेड़े नेड़े तेड़ां दे पिंड हैगे उन्हां दा जन जीवन प्रभावित करके रखता। जुर्माना भी उन्होंने कहा भी पाओ चाहे कुछ करे, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो यह रिपोर्ट के लिखा भी पानी मुहैया कराया जाए, ये जेडे नेड़े तेड़े दे पिंड है इस 5 किलोमीटर तो लैके 15 किलोमीटर तक के पिंडा नूं पानी मुहैया कराया जाए, ये रिपोर्ट कह रही है। क्योंकि इस इंडस्ट्री ने हर तरह पूरी धरती नूं अंडरग्राउंड वाटर या जेड़ा टोटली इनवायरमेंट है उसके इंपैक्ट पाया, उन्हें खराब किया, उसका कारण मालब्रॉस इंडस्ट्री है। तो इस रिपोर्ट के पहले भी मैं पहला गल दसी है भी ये लिखा होया भी इन्होंने काफ़ी सारे बोरवैल किए हुए हैं, तो जिन्हें बोरवैल की मदद नाल बहुत साल ये थले धरती पानी पाते रहे, तो जिदे करके अंडरग्राउंड वाटर टोटली पल्यूट हो गया, तो वह TDS बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जिहड़ियां बीमारियां इत्थे दे पिंडां दे नेड़े तेड़े दे लोकां नूं लगियां होईयां उन्हां दा सारियां दा कारण हैगा मालब्रॉस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। हो मैं दुनिया नूं इह गल कहना चाहुंदा, लो पंजाब दे लोकां नूं पूरी दुनिया नूं भी मालब्रॉस इंडस्ट्री चलण दा बई सवाल पैदा ही नहीं हुंदा गा। सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सैंपल फेल हो गए जी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जिहड़े सैंपल कराए सी पहलां उह भी फेल हो गए आ, ते फिर होर हुण सरकार की सबूत भालदी आ, हुण तां बंद होनी चाहीदी आ, हुण तां सरकार नूं आप चाहीदा आ वी आह सैंपलां दीआं रिपोर्ट चक ले, साढ़े तो फड़ ले जिन्नियां लै गईआं, ते हाई कोर्ट च AG साहब बैठदे आ जी, AG साहब उत्थे जवाब दे देण जी, देखो दो बार सैंपल फेल हो गए CM साहब इन्हां दे, हुण तां हक ही नहीं बनदा। नाले CM साहब ने इह गल कही सी एक सैंपल फेल हो जाए जी मैं इंडस्ट्री बंद कर दूंगा। सारे मतलब फेल पाए गए। एक गल होर बई जी, हाँ जी, हले तिकर साडे कोले सरकार ने कोई भी रिपोर्ट लेके नहीं आए बई। एक ना ये असीं आपदे पद्धर ते रिपोर्ट लई आ बई, आ साडे कोले रिपोर्ट आ, ये हैगी आ अपने पंजाब पोल्यूशन बोर्ड की, ये अधूरी रिपोर्ट आ, सैंपल बहुत होए सीगे। असी थोड़े माध्यम राही सरकार नूं बेनती करते हैं, जिहड़े सेंटर आ पंजाब पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट सी ना, ये पूरी रिपोर्ट सानू दित्ती जावे, सानू भी पता लगे भी पंजाब पोल्यूशन बोर्ड ने साडे पिंडां दे विच जिहड़े सैंपल किए सीगे उहदे विच की पाया गया। पर्दाफाश करिए, सानू किसे सरकार ने नहीं दित्ती, ना सेंटर ने दित्ती है, ना स्टेट, असीं आपदे रिसोर्सां नाल इकट्ठी कीती है जी रिपोर्ट। सांझा मोर्चा वाले सारे जिहड़ा इलाका निवासी आ वधाई दे पात्र आ, उन्होंने जी लड़ाई लड़ी आ, हक हक की लड़ाई लड़ी है, तो वो अज जी नवी रिपोर्ट आई है उन्हें इन्होंने सच में जोड़ा हैगा द्वारा पुख्ता जी उत्ते की कि यह सच की लड़ाई लड़ रहे थे। उस मैं कुछ तत्थ थोड़ू जी रिपोर्ट आई है उस दसना चाहना कि फैक्ट्री के जोड़े सैंपल हुए 29 बोरवैल्स के सैंपल हुए आ, तो 29
जिहड़ी सब तो जिहड़ी त्रासदी वाली गल है कि छे जिहड़े बोरवैलां दे इलाके दे मैं दस रहा कल फैक्टरी दे प्रमिसिस दे अंदर दे ने उन्हें तो सब तो जिहड़ी त्रासदी वाली गल है कि छे जिहड़े आ स्कूलां दे बोरां दे सैंपल फेल होए आ। हुण तुसीं देखो इह जिहड़ी फैक्टरी ने इस इलाके दे जिहड़ी साडी नवीं पीढ़ी है जिहड़े बच्चे आ उन्हां तक दा वी कांड कीता ते इहदे नाल ही जिहड़ी TDS आई है TDS तकरीबन रिपोर्ट यह दस रही है भी सारे बोरवैल जो चैक हुए TDS जी 2100 आ रही है। हुण हो की रहा जो इस इलाके की जी 2100 TDS आई है तो मैं थोनू दसा भी जे किसी बोर का 735 TDS पानी आ रहा है तो वो जो एक फुट पानी सिंचाई करता है भी 10-15 आप पानी जो खेत में लाने हैं वो ही एक टन साल जे जमीन के निकल के धरती से आ जाते हैं तो जिदे धरती बंजर होने का खर्चा। तो यह दूजी रिपोर्ट इन्हें कला इंसानों का नुकसान नहीं किया इन्हें आसे पासे की जी जमीन आ जी वो पानी जोड़ा इन्होंने थले रिवर्स बोरिंग की खराब किया तो ये जी रिपोर्ट के इतने जितने हैवी मैटल्स आए आर्सनिक करके मैटल्स आए आ उत्थे सल्फेट्स भी बहुत हाई मात्रा च आए जिसे रिपोर्ट कह रही है भी इंडस्ट्रियल जी एक्टिविटी हुई करके नाल ही TDS दोनों चीज़ा मतलब वो करके वधी हैं। फिर इन्होंने जेडे बोरवैल्स 25 बोरवैल की जी शिकायत की गई थी वो फिजिकली क्योंकि बोरवैल बंद कर दिए गए थे आप देखा बाद दे मोर्चा बहर लगा हुआ पर फिर भी अंदर मुलाजम काम करते जी वार वार मोर्चा दुहाई पाँगा कि बंद कर दौ अंदर बंदे ना जान दौ इन्होंने बोरवैल बंद करते हैं। फिर भी जेडे 10 बोरवैल तो 6 पीजोमीटर जोड़े है वो जी टीम ने देखी है उन्होंने ध्यान दे आए हैं तो जबकि जो फैक्ट्री तो परमिशन ये सारे बोर की परमिशन लेनी होंगी है उन्होंने जो पूछा भी थोड़े को परमिशन ली है तो सिर्फ 4 बोरवैल की परमिशन सी 2 पीजोमीटर की वो बजाय इतने 10 बोरवैल तो 6 पीजोमीटर देखो सारे तरीके इन्होंने कानून दी जिहड़ियां धज्जियां उड़ाई हैं। 2 बोरवैल जिहड़े इन्हां दे प्रिमिसिस दे विच अंदर आ उन्हां दे विचों आर्सनिक क्रोमियम कॉपर आयरन मैगनीज निकल लैड ते सिलीनियम बहुत हाई कंसंट्रेशन च आए हुण जिन्नी भी सारे बोरवैलों दी रिपोर्टां आईयां इहदे च 2 चीज़ां होंदियां एक तां परमिसिबल लिमिट होंदी है कि एक्सैप्टेबल लिमिट होंदी है। परमिसिबल तां इह होंदी आ वी इह जिहड़ा पीण वास्ते पाणी आपां कहीए वी इह सही आ एक्सैप्टेबल फिर कहण लैंदे आ वी चलो कोई नहीं जे इत्थे होर पीण दा पाणी दा स्रोत है नहीं तां एक्सैप्टेबल लिमिट एक गिणी जांदी आ ते जिन्ने भी पाणी दे सैंपल ओह एक्सैप्टेबल लिमिट तों वी जिहड़े हैगे आ माड़े आए आ उदों वी मतलब हानिकारक आए आ। सो एक तां जिथे फैक्टरी ते बणदी कारवाई करन दी असीं मंग करदे आ सरकार दा फर्ज बणदा वी इह लोक इन्ने चिर दे लड़ रहे आ जबकि फर्ज सरकार दा फैक्टरी ते बणदी कारवाई करे क्योंकि जमीन पाणी दोवें इन्हां ने नुकसान कीता ते नाल ही जिहड़ा पाणी इन्होंने बोरवैल किए आ कई बोरवैल 250 फुट डूंगे आ मतलब तीजे चौथे एक फायर दे आ जिहड़ा एयर पोल्यूशन हुंदा आपां कह दिंदे आ फिर भी ठीक हो जूगा ये जिहड़े डूंगे एक फायर आ ये कंसील्ड एक फायर हुंदे आ ये तकरीबन जिहड़ियां मन्निया जांदा है भी ये लखां सालां दा पाणी जिहड़ा पाणुआं चों जीर के जांदा इहनूं थल्ले वाला पाणी तबाह करता जिहनूं ठीक करन दा कोई भी तरीका कार नहीं। सो जिथे ते कारवाई होनी चाहीदी आ उत्थे मेरे हिसाब च सरकार नूं पहल दे आधार ते 100 मोटो लैंदे होए एक तां जिहड़े प्राइमरी स्कूल आ जिथे पाणी दे सैंपल माड़े आए आ उत्थे उहनां नूं पीण वाला प्रोपर पाणी मुहैया कराया जावे नाल ही पिंडां दे वी जिहड़े सैंपल आ नाल दे पिंडां दे तिन्नां पिंडां दे मसूरवाल दे रटौल रोही दे ते मईआं वाले दे इहनां दे सैंपलां च बहुत ज़्यादा तत् माड़े आए आ उत्थे पीण दा कारण ते नाल ही खेतां दा वी पाणी दा प्रबंध करके देना पैणा क्योंकि जे थल्लों जमीन दा पाणी ज़्यादा चिर वरत्या ते सानूं पूरा खदशा है कि वह जमीना भी बंजर हो जाएगी। धन्यवाद।